नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 2 नवंबर और 2 नवंबर की जो करंट अफेयर्स है उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रैंकिंग शीर्ष पर कौन रहा है? फीफा रैंकिंग जो है जारी हुई है 2019 में, उसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर जो रहा है बेल्जियम रहा है और सेकेंड नंबर फ्रांस रहा है, जबकि ब्राज़ील तीसरे नंबर पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत जो है वो 106 नंबर पर रहा है। भारत 2019 फीफा रैंकिंग में 106 नंबर पर रहा, जबकि पिछले लास्ट ईयर 2018 की बात करें तो वो 104 नंबर पर रहा है। लास्ट ईयर ये 104 नंबर पर रहा है, जबकि अब यह 106 पर पहुंच गया है, जबकि ये 2 अंक नीचे आ गया है। अब बात आई फीफा की, फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी? फीफा की फुल फॉर्म होगी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और ये फीफा रैंकिंग जो है 2019 के कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जूरिका में, ये जूरिका में हुई है। तो जूरिका कहाँ पे है? ये है स्विट्ज़रलैंड में। और इसमें फीफा के जो हैं वो प्रेसिडेंट कौन है? तो हैं जानी इन्फेंटिनो फीफा के इस समय प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक 2020 के लिए किसे एशिया ब्लॉक का राजदूत चुना गया है? तो जो ओलंपिक 2020 होने वाला है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है एशिया ब्लॉक करने के राजदूत, वह है मैरीकॉम चुनी गई है। तो ये तो जो होगा ओलंपिक 2020 ये होगा कहाँ पे? तो ये होगा टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। और ये कौन सा हुआ? तो 145वां ये हुआ है। और जो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है इसका जो आयोजन हुआ है किसने किया है? तो किया है नरेंद्र मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी चांसलर एंजेला मार्कल्स ने, इन दोनों लोगों ने इसके जो मेन वो थे ये दोनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीओपी जो जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी करेगा स्पेन करेगा। और सीओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीओपी का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो जो गीतांजलि थी वह एक अभिनेत्री थी और वह तेलुगु भाषा की जो मूवी बनती हैं उनकी अभिनेत्री थी और ये बड़े दर्जे पे अभिनेत्री मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ खेला जाएगा? तो हाल ही में ध्यान दीजिएगा डे नाइट मैच है ये कोलकाता में होगा। और कोलकाता में किसके किसके बीच होगा? ये होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में। और कोलकाता में जो ईडन गार्डन है, कोलकाता का सबसे बड़ा गार्डन ईडन गार्डन, वहाँ पे मैच होगा। और ये कब से कब तक होगा? तो ये होगा 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में मैच होगा। ध्यान दीजिए क्योंकि अभी दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के साथ ही नाइट मैच है, तो उस पर वो डे नाइट मैच नहीं, वो सिर्फ नाइट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश ने सफ़ेद सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने किया है बैलिस्टिक मिसाइल का? तो ये किया है रूस ने। और इस मिसाइल का क्या नाम है? तो है वॉल्वा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी मारक क्षमता क्या है? तो यह है 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब बात आई है रूस की, तो रूस की जो कैपिटल हो क्या है? मॉस्को इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? तो यह है रूसन रूबल। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो इनके यहाँ प्रेसिडेंट हैं वल्दिमीर पुतिन, यहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट हैं। और एक क्वेश्चन उठता है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है रूस से, वो है
रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूम, रूस की संसद का नाम है ड्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन अवार्ड किसे मिला? तो जो ड्रैगन अवार्ड मिला है वो मिला है बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है, ये किया गया है केरल में, केरल में इसका आयोजन किया गया है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि शांति घाटी कहाँ है? तो जो शांत घाटी है वो है केरल में, बाहर जो केरल की सबसे बड़ी घाटी है वो शांत घाटी है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बैंकॉक में ही शुरू हुआ है। बात आई है आसियन की, आसियन की फुल फॉर्म क्या है? तो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी एशियन की? तो हुई थी 1967 में, 1967 में एशियन की, एशियन का उद्घाटन हुआ था या स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये जकार्ता में, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इस समय जो आसियन है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वह है लेम जॉक हुई, लेम जॉक हुई इसके सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव नंदन सहाय को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया है विद्युत मंत्रालय को, विद्युत मंत्रालय के रूप में इनको, जो संजीव नंदन सहाय हैं इनको विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आती है जो केंद्र के विद्युत मंत्री हैं वो कौन है? तो जो केंद्र के विद्युत मंत्री हैं वो है आर के सिंह सेंट्रल इलेक्ट्रिक मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले सूक्ष्म खाद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो हाल ही में पहले सूक्ष्म खाद का उद्घाटन हुआ है वो है तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। और इसका मतलब क्या है सूक्ष्म खाद केंद्र, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो केमिकल होगा केमिकल से खाद बनाया जाएगा, केमिकल से डायरेक्ट इसको खाद में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी को सूक्ष्म खाद केंद्र कहते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी होगी? तो इसकी कैपिटल होगी चेन्नई, जो तमिलनाडु है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के सीएम है कलमी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो है बनवारी लाल, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। दोस्तों कल की वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जस्टिस अरविंद बोबड़े को, जस्टिस अरविंद बोबड़े को, जो भारत के नए मुख्याधीश होंगे ये इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर, 31, 29 या 1 नवंबर? इसमें जो सही ऑप्शन हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।